हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल टेक्नो। तो फ्रेंड, मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट ईयर की हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। फर्स्ट ईयर के मात्र दो चैप्टर आपके ऐसे थे जो बच गए थे, तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों की फ्राइडे की भी क्लास नहीं हो पाई थी। देन उसके बाद न्यू ईयर की वजह से भी क्लास नहीं हो पाई। तो आज आप लोगों की क्लास मैं ले रही हूँ और ऑफलाइन में वीडियो ये बना दी हूँ, तो आप लोग इसको देखिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, है ना, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है ये वीडियो। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की जो चैप्टर है आप लोगों का, वो है वर्कशॉप प्रैक्टिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसके जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को आते ही आते हैं हर एग्जाम में, चाहे आप कोई से भी एग्जाम देने जाएं। तो मैं सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ आप लोगों को कि देखिए, ये वाला चैप्टर मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगी। देन उसके बाद हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है शोल्डरिंग वाला। शोल्डरिंग मैंने एक्चुअली आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। जब मैंने आप लोगों को ABD की क्लास लगवाई थी, तब मैंने आप लोगों को शोल्डरिंग और फ्लक्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया था, और उसके MCQs भी मैंने कुछ करवाए थे। लेकिन इसके बाद हम वही वाला शोल्डरिंग वाला जो हमारे चैप्टर निमी पैटर्न में दिया हुआ है, वो मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी। देन उसके बाद आप लोगों की जो क्लासेस चालू होगी वो होगी थ्योरी क्लास। जैसे बहुत से बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम थ्योरी क्लास लगाइए, स्टार्टिंग से लगाइए, बेसिक क्लियर करिए, हमें बेसिक नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके बाद जो क्लास लगेगी आप लोगों की, वो ऐसी ही क्लास लगेगी आप लोगों की। हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक में आप लोगों को क्लियर करूंगी, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो चाहे वो सेकंड ईयर का हो। तो जितने भी ITI वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे एकदम। देखिए, जनवरी भी आ गया है, नया साल भी है, तो आप लोगों से एकदम स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करूंगी। तो आप लोगों का काम बस इतना है कि यहाँ मैं पूरा आप लोगों को पूरा कंटेंट अवेलेबल करके यहाँ पे दे रही हूँ। हर एक चीज़, कोई पैसा नहीं है, सिर्फ आप लोगों का यूट्यूब पे जाएगा और आप लोगों को देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है, आप लोगों के इसमें है। और बाकी आप लोगों को अगर लगता है तो आप लोग व्हाट्सअप करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, है ना, पूछ सकते हो आप लोग। अब देखिए, जितने भी आप लोगों के चैप्टर हैं फर्स्ट ईयर में, A to Z चैप्टर में आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगी पूरा थ्योरी। फर्स्ट ईयर जैसे आपका कंप्लीट होता है, देन उसके बाद सेकंड ईयर के पूरे चैप्टर में आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आप लोगों का एक ही काम है कि आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करना है उस वीडियो को। अब देखिए, यहाँ पे हम ये जो हमारा लास्ट चैप्टर बचा था वो मैं क्लियर करवा देती हूँ आप लोगों को। उस दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई थी फ्राइडे के दिन। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोला है, जैसे फर्स्ट मैंने एक्चुअली करा दिया था, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने नहीं देखा उन बच्चों के लिए बता दी हूँ। सबसे पहला यहाँ पे बोला है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस गेज। ये गेज दिया गया है आप लोगों के सामने और यहाँ पे पूछा है कि इस गेज का उपयोग क्या है। उपयोग यहाँ पे इस गेज का पूछ रहा है, तो आप लोगों ने ये डायग्राम देखा होगा, है ना, निमी पैटर्न की बुक होगी आप लोगों के पास, कोई भी जो भी बुक है किसी भी राइटर की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें ऐसा, खास करके फिटर वाले बच्चे हैं ना, तो फिटर वाले बच्चों के लिए भी और इलेक्ट्रिशियन वाले भी जितने हैं, तो वर्कशॉप जहां पे आप लोग पढ़ेंगे वहां पे आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को इसमें ये बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं आप लोगों के, देखिए थोड़ा जूम कर दे रही हूं मैं। फर्स्ट दिया है कि जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, फर्स्ट ये दिया है। सेकंड बोला है बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना। थर्ड है आप लोगों का जॉब की ऊंचाई और समांतरता जांचना। और लास्ट है आपका जॉब को मशीन में डेटम के समांतर रखना। तो आपको मैं बता दूं कि इससे हम क्या नापते हैं, इससे हम त्रिज्या नापते हैं। ठीक, क्या नापते हैं, त्रिज्या नापते हैं। इसका मैंने डायग्राम भी आप लोगों को दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को डायग्राम शो कर देती हूँ। ये है आप लोगों का डायग्राम, ये दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से। तो आप लोगों को जब ऐसा कट दिखेगा, बाहर की तरफ कट दिखेगा, तो ये कहता है एक्सटर्नल रेडियाई ये निकालता है आप लोगों की, मतलब जांचता है, नापता है। और ये जो अंदर की तरफ आप लोगों के कट दिख रहे हैं, तो ये क्या करता है, इंटरनल रेडियाई। ठीक है, तो ये बाहरी और ये आंतरिक। ठीक, तो ये इंटरनल के लिए हो गया और ये किसके लिए हुआ, एक्सटर्नल के लिए। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को दिख रहा है R7.515 mm। आज से ही आप लोगों को पता है कि क्या होता है रेडियस, यानी कि त्रिज्या होता है। डैट मीन्स कि ये डायग्राम हमारे किस काम आने वाला है भाई, रेडियस नापने के काम आने वाला है, त्रिज्या नापने के काम आने वाला। अगर आप एग्जाम में नहीं भी पढ़ के जाते हो तो एटलीस्ट इस डायग्राम को अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो आप लोगों को ये चीज़ वहाँ पर पता चल जाएगी कि ये किसके लिए होता है, रेडियस के लिए होता है, किसी भी उपकरण का रेडियस नापने के लिए। ठीक है, वापस क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पे।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछा था कि क्या है इसका उपयोग, क्या है? तो भाई इसका उपयोग है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, है ना, चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आप लोग आंसर करिएगा खुद से, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ। अब यहाँ पे सेकंड में दिया है आप लोगों का, रेती दिया है आपके सामने, है ना, यानी कि एक फाइल है। आप लोग अधिकतर वर्कशॉप कैलकुलेशन में ये फाइल्स यूज करते होंगे। तो यहाँ पे बोला है इस रेती का नाम क्या है, रेती का नाम आप लोगों को बताना है। पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को रेती के डायग्राम दिखा देती हूँ कि फाइल के डायग्राम आप लोगों के कौन कौन से हैं। देखिए ये है आपके फाइल्स के डायग्राम, ये जो है इसमें कुछ कर्व टाइप के आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो कर्व है तो इसको कहेंगे कर्व कट फाइल। ये जो सेकंड है इसमें आपको डबल कट दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये क्या है, डबल कट फाइल। यहाँ पे सिंगल कट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये है आपका सिंगल कट फाइल। और यहाँ पे आप लोगों को कुछ रेस्ट टाइप में, मतलब डॉट 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 रेस्ट टाइप में दिखा रहा है, तो ये क्या है आपका रेस्ट कट फाइल। तो कुछ इसी तरीके का डायग्राम वहां पे भी दिया गया हमें। तो वहां पे पूछ रहा है कि इस रेती का नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अभी हमने देखा डायग्राम में कि रेस्ट कट फाइल इसका क्या होगा, नाम होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आइए, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है इस औजार का नाम क्या। अब ये एक औजार दिया है आप लोगों के सामने, आप लोग देख लीजिए इस तरीके का है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि मेजरमेंट कर, ये तो दिख रहा है भाई हमें कि किसी चीज का मेजरमेंट कर रहा है ना, लेकिन किस चीज का मेजरमेंट कर रहा है वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहां पे बोला है सबसे पहला बोला है डिवाइडर, ये देखिए सबसे पहला बोला है डिवाइडर, सेकंड बोला है आंतरिक कैलिपर यानी कि इनसाइड कैलिपर, थर्ड बोला है आपको विषम लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, और लास्ट दिया है आउटसाइड कैलिपर यानी कि बाहें कैलिपर। तो आपको इन चारों में से नाम बताना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो डायग्राम आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ था, इससे हम क्या मेजरमेंट करते हैं, इनसाइड के जो भी मेजरमेंट होते हैं, आंतरिक जो मेजरमेंट होते हैं वो हम इससे नापते हैं। यानी कि आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डायग्राम भी दिखा देती हूँ अगर आपका लगाया होगा मैंने तो। ये है कुछ इस तरीके का है, ये भी कैलिपर टाइप में ही है, लेकिन ये दूसरा है जैनी कैलिपर्स टाइप में है, लेकिन इससे भी हम क्या करते हैं एक डायमीटर टाइप में ही पैरेलल लाइन बना के नापते हैं। तो कुछ इसी तरीके का वो भी है, सिर्फ इतना हिस्सा आपको वहां पे दिखाया गया है, ठीक है, ताकि इससे आइडिया मिल जाए आप लोगों को। तो यानी कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनसाइड कैलिपर, ठीक है, इज अ राइट आंसर आप लोगों का। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है आप लोगों को, वॉट इज द कॉज ऑफ ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। अब यहाँ पे बोला है लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। तो अभी आपको सबसे पहले ये समझना है कि ट्विस्टिंग दोष होता क्या है, है ना। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है, फोर्थ का पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जब भी हम लकड़ी की बात करते हैं, लकड़ी में कुछ ट्विस्ट टाइप का देखते हैं, तो ट्विस्ट मतलब एक तरफ से होता है मोड़ना या सिकुड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे वो वही बात पूछ रहा है कि ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है, क्यों ट्विस्टिंग दोष लकड़ी में पैदा होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था, जैसे गीली लकड़ी है आप लोगों के पास और गीली लकड़ी को आप लोगों ने धूप में सूखने के लिए रख दिया सपोज, तो एक तरफ से क्या होता है कि उसका जो पानी होता है वो पूरा क्या हो जाता है, निकल जाता है, और वो थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जा, सिकुड़ने लगती है वो, है ना, क्योंकि उसका पानी निकल, मतलब उसका जो आकार होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि ट्विस्टिंग दोष जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों का असमान सिकुड़ना, ठीक है, अनइवन चेंकेज, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जब भी ट्विस्टिंग दोष सुनना आप लोग तो आसमान सिकुड़ना आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है व्हाट इज द यूज ऑफ मोटराइज चीजल। अब देखिए मोटराइज चीजल की यहाँ पे वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है कि मोटराइज चीजल क्या होता है ना, उसका उपयोग क्या होता है। तो लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, सेकंड बोला है लकड़ी में आयताकार छेद करना, थर्ड बोला है लकड़ी को छीलना या फिनिशिंग देना, और लास्ट बोला है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी बात हो रही है भाई किसकी, मोटराइज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मोटराइज की। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा दूं, ये है आपका मोटराइज सीजल, ये दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका मोटराइज सीजल का डायग्राम,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला है इसका वर्ग खंड ब्लेड अधिक दृढ़ होता है। वर्ग खंड ब्लेड मतलब यहाँ का जो नीचे का हिस्सा है वो किस टाइप में है, स्क्वायर टाइप में है, वर्ग टाइप में है। कैसा है, वर्ग टाइप में है ना। तो वही बोला है कि इसका जो प्रयोग होता है लकड़ी में वर्गाकार छेद करने के लिए होता है। जो भी लकड़ी रहती है उसमें कैसा छेद करने के लिए होता है, वर्गाकार यानी कि स्क्वायर टाइप में छेद करने के लिए होता है। तो ये हमने देख लिया मोटराइज। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे वही पूछा था कि लकड़ी में आयताकार छेद करना, वर्गाकार आयताकार मतलब सेम, क्योंकि यहाँ पे तो वर्गाकार में कुछ दिया नहीं है तो आयताकार ही हम लेके चलेंगे। ये मत समझना कि वहाँ पे वर्गाकार दिया यहाँ पे आयताकार दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, शीट मेटल में तेज मोड़ हेतु किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है। अब यहाँ स्टैक की बात कर रहे हैं, तो जिन बच्चों को नहीं पता है कि स्टैक क्या होता है, तो पहले स्टैक का डायग्राम मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि शीट मेटल में, जो भी हमारी शीट मेटल होती है उसमें तेज मोड़ हेतु, उसमें जब हम उसको मोड़ते हैं, पलटते हैं, है ना, किसी भी चीज़ को मोड़ना, जैसे एक सीधा सीधा यहाँ पे एक आप लोगों को शीट दी हुई है और उसको सीधा सीधा मोड़ना, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है। तो स्टैक अगर आप लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा होगा, तो यहां मैं सबसे पहले बता दूं आप लोगों का कि इसका जो आंसर हो जाएगा कि मोड़ों के लिए, भाई तेज मोड़ों के लिए हम यहां पे क्या यूज करते हैं, हैचेट स्टैक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हैचेट स्टैक, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, और बाकी मैं यहां पे डायग्राम देख लेती हूं, अगर होगा आप लोगों का तो यहां पे मैं दिखाती हूं आप लोगों को डायग्राम। वैसे मुझे नहीं लगता मैंने यहां पे डायग्राम लगाया है आप लोगों का, ये हाँ लगा है। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये देखिए ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये है आप लोगों का हैचेट स्टैक। ये आपको देखिए यहाँ पे, ये यहाँ बीच से क्या कर रहा है, इसको मोड़ रहा है, यहाँ से वो क्या कर रहा है, मोड़ रहा है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, हैचेट स्टैक। तो ये मैंने आंसर भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है कि मतलब इस टाइप में कुछ एक डायग्राम, मतलब डायग्राम टाइप में आप लोगों को ये दिखाई देगा आप लोगों के बुक में, तो आप लोग देख सकते हो कि इसके ऊपर हम कैसे रखते हैं, ऐसे शीट रखते हैं और उसको क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं। तो उसका नाम क्या आ जाएगा आपका, हैचेट स्टैक आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पे वही पूछा था कि शीट मेटल में तेज मोड़ है तो मतलब बराबर से मोड़ना चाहिए, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, हैचेट स्टैक लिखेंगे, कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार हेतु किया जाता है। अच्छे से सुनना, यहाँ पे पूछा है आप लोगों को कि किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग, वही जो छेनी की बात कर रहा है, कोल्ड चीजल की बात कर रहा है ना, कोल्ड चीजल इज यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर। तो कॉर्नर में वो वहां पे बात कर रहा है, कॉर्नर की बात कर रहा है ना, पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है जाली छेनी, क्रॉस कट छेनी, अर्धवृत्ताकार छेनी या हीरा पॉइंट छेनी। तो यहाँ पे जब भी बात करता है कॉर्नर की, कॉर्नर में जब भी बात करेगा कॉर्नर की जब भी बात करेगा तो आपका आ जाएगा डायमंड पॉइंट चीजल। क्या आ जाएगा, डायमंड पॉइंट चीजल। अब ये कैसे होता है ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूं। देखिए ये आपका दिख रहा है, देखिए ये आपकी क्या है, चीजल है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये देखिए ये कॉर्नर की बात कर रहा है, ये कॉर्नर की बात कर रहा है, और यहां से ये क्या कर रहे हैं, हम चीजल का यूज कर रहा है ना, यहाँ से चीजल का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये हमारी क्या है, चीजल है ना। तो ये किस में यूज कर रहे हैं भाई, हम यूज कर रहे हैं कॉर्नर के लिए, कॉर्नर बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, डायमंड पॉइंट चीजल, ठीक है। तो वीडियो को एक बार अच्छे से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं विद डायग्राम समेत आप लोगों को समझा रही हूँ कि एग्जाम के थ्रू अगर आप लोग देने जाएं तो कम से कम ये वीडियो देख लें, तो आप लोगों को डायग्राम आपके माइंड में बैठा रहेगा, और अगर आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग फटाक से आंसर वहां पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, डायमंड, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे पूछा है विच टाइप ऑफ कैलिपर इज यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस अलोंग द आउटर एज ऑफ द मटेरियल। अब पैरेलल लाइन की बात कर रहा है वो, है ना, कि ऐसा कौन सा कैलिपर है, ठीक है,
किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है? कौन सी रेखाएं? पैरेलल लाइन खींचने में, ऐसा कौन सा आपका कैलिपर है? ठीक है, पहले डायग्राम दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये है, देखिए ये है पैरेलल लाइन। देखिए इसी के समांतर आप लोगों की पैरेलल लाइन वो खींच रहा है। ये यहाँ पे आपने हम यहाँ पे फिक्स कर दिया और ये यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट दिख रहा है। इसको जैसे ही हम खसकाते जाएंगे तो एक पैरेलल लाइन बनाते हुए जाएगा, ऐसे इसी प्रकार ये पैरेलल लाइन बनाते हुए जाएगा। तो ये दोनों कैसे खींचेंगी? समांतर खींचेंगी एकदम। तो ये आपका कौन सा कैलिपर है? जैनी कैलिपर्स। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भाई पैरेलल लाइन खींचने के लिए जब भी बात आती है तो हम क्या बताएंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कि भाई समांतर रेखा खींचने में जो कैलिपर यूज होता है वो कौन सा होता है आप लोगों का? जैनी कैलिपर्स। करेक्ट है, ठीक है। और लाइक कर देना वीडियो को बिल्कुल आप लोग। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिल बिट। अब ये ड्रिल दिखाई दी है, आप लोगों ने घर में ड्रिल वगैरह किया होगा, है ना। जैसे हम स्क्रू वगैरह ठोकते हैं जब अपनी दीवारों पे, तो हम क्या करते हैं, पहले ड्रिल कर देते हैं, उसके बाद हम जो आप लोगों के जो कीले वीले रहते हैं उसको ठोकते हैं। तो जो ड्रिल मशीन में जो ड्रिल बिट लगी रहती है, बिट रहती है, बहुत प्रकार की होती हैं वो, तो ये यहाँ पे बिट दिखाई दी गई है आप लोगों को, है ना। तो इस ड्रिल बिट का क्या नाम है वो यहाँ पे वो पूछ रहा है, ठीक। तो आप लोग ऐसे बहुत से ड्रिल बिट होंगे, आप लोग देखना वर्कशॉप कैलकुलेशन में बहुत सारे आप लोगों के डायग्राम भी दिए गए होंगे, तो वहाँ पे आप लोग देखना कि किस ड्रिल बिट का नाम क्या है, ये आप लोगों को पढ़ना नेसेसरी है, कंपलसरी है। तो आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि इसका जो नाम होता है वो नाम है आप लोग इसका टैपर शेक बिट। क्या नाम है इसका? टैपल शेक बिट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए, यहां पे बोला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टैक यूज फॉर जनरल पर्पस इन शीट मेटल वर्क। अब शीट मेटल वर्क सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता? अब सामान्य उपयोग हेतु भैया हमें एकदम जनरल वर्क करना है हमें, है ना, कुछ ऐसा नहीं बोला उसने, सिर्फ यहाँ पे ये बोला है कि शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टैक का उपयोग किया जाता, वर्गाकार का। अब सेकंड बोला आपका हैचेट का, थर्ड बोला है ब्लो हॉर्न का, और लास्ट बोला है वेवल एज का, ठीक है। तो ये आंसर आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जनरली हम जो यूज करते हैं वो स्क्वायर शेप में ही, जो स्क्वायर स्टैक होता है उसी का यूज करते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था स्टैक के डायग्राम, ये है देखिए। तो जनरली अगर हमें कोई भी चीज रखनी है ना, कोई भी शीट होती है, या हम वर्कशॉप कैलकुलेशन में काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो शीट जहां पे भी रखनी, तो जनरली हम ये सब यूज नहीं करते हैं। हम सिर्फ कौन सा यूज करते हैं? स्क्वायर, ये आपका दिख रहा है, ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर स्टैक बोलते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं? जनरली सामान्यतः यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को डायग्राम भी दिखा दिया है, तो आंसर आप लोगों का यहाँ पे क्या आ जाएगा कि स्क्वायर स्टैक क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्लीट। अब यहाँ पे पूछा है कि ISO मैट्रिक फाइन थ्रेड। अब देखिए यहाँ पे थ्रेड का मेजरमेंट दिया हुआ है ना, M12 × 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। अब यहाँ पे जो मेजरमेंट दिया है आप लोगों का, जो थ्रेड होती है, थ्रेड आप लोगों को पता है कुछ इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जो कट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके थ्रेड कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? आपके थ्रेड कहलाते हैं। तो थ्रेड में वो पूछा है कि M12 × 1.25 में 1.25 ये जो नंबर है वो क्या इंगित कर रहा है। पहला पूछा है थ्रेड का व्यास, सेकंड बोला है थ्रेड का पिच, थर्ड बोला है थ्रेड की गहराई, और लास्ट बोला है थ्रेड की लंबाई, ठीक है। तो अब हम यहां पे पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आप लोगों को। ये है हमारे पास डायग्राम, देखिए ये मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा सा, यहां पे हम आते हैं। यहां पे देखिए ये आप लोगों को थ्रेड दिख रही है, ये क्या है आप लोगों की? ये थ्रेड है, और यहां से ये जो एंगल बन रहा है दो थ्रेड के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेड एंगल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट नुकीला वाला दिख रहा है वो आपका क्या है? क्रेस्ट है, CREST, ठीक है, क्रेस्ट। यहाँ पे देखिए हर नाम लिखा हुआ, यहाँ पे रूट लिखा हुआ, यहाँ पे फ्लैंक लिखा हुआ आप लोगों का। अब दो थ्रेड के बीच में, ये फर्स्ट थ्रेड है और ये सेकंड थ्रेड है, इन दोनों के बीच में जो
डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पिच होती है दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। और वहीं उसका मेजरमेंट दिया हुआ है, कितना दिया है 1.25, ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे हम आ जाते हैं, तो 1.25 जो दिया है वो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थ्रेड का पिच, ठीक है। ये जो 1.5 दिया है ना आपका, तो ये क्या है आपका, थ्रेड का पिच है, ठीक। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि बीच की दूरी दी है, दो थ्रेड के बीच के डिस्टेंस दिया हुआ, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड पिच बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा, इसलिए मैंने डायग्राम के थ्रू आप लोगों को यहाँ पे शो करके बताया है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता। अब आप जैसे लकड़ी देखते हैं तो लकड़ी में ना शाखाएं उग जाती हैं, अनियमित है ना, उग जाती हैं, तो वहां पे वो ही बोला है, तो जो भी आपके इरेगुलरिटी में जो भी ग्रोथ में जो आ जाती हैं तो उसका क्या दोष हो सकता है, वो ये पूछ रहा है। सबसे पहला पूछा है गांठ, सेकंड बोला है कपिंग, थर्ड बोला है चटकना, और लास्ट बोला है घुमाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम गांठ की बात करते हैं, है ना, किसी भी चीज़ में जब भी कोई गांठ लग जाती है ना, तो एक प्रकार से क्या होता है कि उसकी जो आयु होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आप बता रही थी आप लोगों को कि जब भी हम बात करते हैं भाई कि अनियमित की, है ना, अनियमितता की बात करते हैं, तो उसमें दोष क्या होता है कि किसी भी चीज़ में, है ना, किसी भी चीज़ की अनियमितता की बात करते हैं, तो यहाँ पे वो लकड़ी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, नोट यानी कि गांठ, ठीक है। तो नियमित रूप अनियमित रूप से शाखाओं के उगने का कारण कौन सा दोष उत्पन्न करता है, तो भाई गांठ का दोष उत्पन्न करता है ना, एक तरफ से उसकी आयु भी कम करता है। तो यहाँ पे जब भी बात करेगा कि भाई आपकी जो शाखाएं हैं वो उगती जा रही हैं चारों तरफ से, तो वो अनियमितता आएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को डायग्राम भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, देखिए। ये आप लोगों को दिख रहा है ना, ये देखिए, ये एक तरह से देखिए शाखाएं आप लोगों को दिख रही होंगी, ये शाखाएं दिख रही होंगी, ये आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, ये आपका क्या दिख रहा है, आपका नोट यानी कि गांठ, ठीक है, क्या दिख रहा है, गांठ दिख रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम सामान्य दोष, इसको हम क्या बोलते हैं, टिम्बर भी बोला जाता है। अभी एक और क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो यहीं पे आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पे बोला है कि पेड़ पर शाखा वृद्धि से एक गांठ बन जाती है, ठीक है, जब शाखाओं की वृद्धि होती तो वहां पे एक गांठ बन जाती है, यह तख्तों और पट्टों के तल पर लट्टों के चीरे जाने वाले प्रकट होती है। ये देखिए, ये एक तरफ से निकल रही है, ये एक तरफ से निकल रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही, तो ये जो दोष होता है वो आपका क्या कहलाता है, कॉमन डिफेक्ट इन टिम्बर, ठीक है। तो टिम्बर विथ नॉट, ठीक है, नॉट यानी कि गांठ, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को ये भी पता है कि भाई दोष का नाम क्या होता है, टिम्बर जो होता है आप लोगों का है वो किसके साथ होता है, विथ नोट के साथ, यानी कि आपका गांठ के साथ होता है, ठीक है, करेक्ट। तो ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, तो अब आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि यहाँ पे अनियमित शाखाओं का बढ़ना क्या कहलाएगा, आप लोगों का गांठ कहलाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, एक टेनन आदि के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता। अब देखिए, एक टेनन की बात कर रहा, आदि बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे बोला है विच फाइल इज यूज शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ अ टेनन सॉ। अब जो टेनन सॉ है उसके दांतों को पेना करने के लिए किस का यूज किया जाता है ना, किस का मतलब किस फाइल का हम यूज करते हैं। वर्गाकार का तो भाई हम यूज नहीं कर सकते, वहां पे खुद दिमाग लगाओ आप लोग, सोच के देखिए इसमें क्या बोला है। सबसे पहला बोला आप लोगों का वर्गाकार, दूसरा बोला है वृत्ताकार, तीसरा बोला है त्रिभुजाकार, और लास्ट बोला अर्धवृत्ताकार, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पता नहीं मैंने यहाँ पे लगाया भी है कि नहीं लगाया है आप लोगों का, लगाया को तो होगा मैंने, ये है आप लोगों का, है ना, लेकिन ये आंतरिक कटिंग के लिए प्रयुक्त होते हैं, और ये है की होल सॉ, नहीं
ये तो दूसरा वाला है, पता नहीं शायद मैंने वो वाला नहीं लगाया है डायग्राम आप लोगों का, लगा होगा तो मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये देखिए आदि की बात कर रहा था, ये है हमारा डायग्राम, ये आपको एक तरफ से आदि दिख रही है, ये आपका क्या है हैंडल है। अब देखिए यहाँ पे ये जो चीजें दिख रही है ना वो आपको रेक्टेंगल शेप में दिखाई देंगी, ये कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे ये जूम करके भी दिखाया गया है, कैसा दिखाया गया है, ये थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल बोल रही हूँ, ट्राइंगल शेप में, ठीक है ट्राइंगल शेप में, मतलब कुछ इस तरीके से। क्योंकि अगर हम, आप खुद सोचिए ना, अगर आप वर्गाकार लेंगे या फिर रेक्टेंगल में लेंगे तो वो आप लोग उसको शार्प नहीं कर पाएंगे उसके दांतों को। यहाँ पे देखिए लिखा है टेनन सॉ या क्रॉस कट सॉ, ये दिया है, ये जो आपकी आदि है वो कैसी है, टेनन सॉ या फिर क्रॉस कट सॉ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जो इसके दाँते दिए गए हैं वो किस शेप में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल शेप में, ट्राइंगल शेप दिया गया है ना, ट्राइंगल शेप में। यहाँ पे मैंने ये जूम करके भी आप लोगों को दिखा दिया, ये क्या है इसके टीथ, ये देखिए ये क्या है आप लोगों के टीथ है उसके, ठीक। तो यहाँ पे वही वो पूछ रहा था कि भाई यहाँ पे बता दीजिए आप लोगों कि किसका यूज करेंगे हम, तो त्रिभुजाकार रेती का है ना। अब आप लोग डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं कि किसका, त्रिभुजाकार रेती का, क्योंकि वर्गाकार तो हो नहीं सकता, उसमें हम पेना नहीं कर सकते, ना ही वृत्ताकार राउंड भी नहीं कर सकते और अर्धवृत्ताकार भी नहीं कर सकते, तो त्रिभुजाकार आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के ये सब, है ना। यहाँ पे बोला है x से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। अब ये आपकी रेती दी गई है, यहाँ पे x दे दिया गया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये क्या है, एज है, हील है, टैंग है या फिर शोल्डर है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को रेती दिखा देती हूँ फटाक से, ये आपके सामने रेती दिख रही है। तो क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे पॉइंट लगा है और यहाँ पे आप लोगों से एक्स पूछा है, तो एक्स मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, हील दिया गया। बाकी आप लोग पढ़ लेना, देखिए पार्ट्स ऑफ अ फाइल दिया गया है आप लोगों का, ये शोल्डर है आप लोगों का, ये हैंडल है आप लोगों का, ये टैंग है, ये एज है, ये फेस है और ये क्या है, टिप है। तो ऐसे कोई से भी कहीं पे भी एक्स लगा के वो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे इस जगह पे लगा था, यानी कि इसका आंसर क्या है, हील है। तो जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया, तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ये देखिए यहाँ पे x था, यानी कि आंसर इसका क्या आ जाएगा, हमारा b इज अ करेक्ट आंसर, आपका क्या हो जाएगा, b आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। अब यहाँ पे अभी मैंने पैरेलल लाइन वाला आप लोगों को टूल दिखाया था, सेम उसी प्रकार का ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप लोग देख भी सकते हैं कि भाई उसी टाइप का ये टूल दिखाई दे रहा है कि यहाँ से अगर हम इसको पीछे तक लेके जाएंगे तो ऐसी सीधी लाइन बनाएगा और ये भी यहाँ से ऐसी सीधी लाइन, मतलब पैरेलल लाइन हमारी ये ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो वही वो पूछ रहा है कि ये कौन सा कैलिपर है, जैनी कैलिपर है, आंतरिक कैलिपर है, बाह्य कैलिपर है या फर्म जॉर्ड कैलिपर है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इसका मैंने डायग्राम भी दिखाया आप लोगों को, तो ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है वो आप लोगों का क्या कहलाता है, जैनी कैलिपर कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, यहाँ पे बोला है छेनी में x द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। अब यहाँ पे ये डायग्राम उतने अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें इतना देख लेना है कि यहाँ बीच में वो जो दिया गया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि x का क्या नाम है। अब देखिए यहाँ पे बोला है रेक एंगल आपका बोला है, पॉइंट एंगल बोला है, क्लियरेंस एंगल बोला है या फिर आप लोगों का इंक्लिनेशन, ठीक है, यानी कि झुकाव, इंक्लाइन वाला, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हैं आप लोगों को, अब आपको बताना है कि भाई इसमें कौन सा जो एक्स है वो क्या दर्शा रहा है ना। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा और यहाँ क्या है आपका गामा है, लेकिन उतने अच्छे से तरीके से हमें समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो इसके लिए मैंने आप लोगों का डायग्राम भी यहाँ पे दिया गया है, ये अब देखिए डायग्राम में थोड़ा जूम कर देती हूँ, यहाँ पे हम अच्छे से देखेंगे। तो देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ से वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की वो बात कर रहा है, तो वो क्या बता रहा है, बीटा एंगल। इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात बता रहा है, तो वो क्या बता रहा है, अल्फा एंगल। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात बता रहा है, तो वो क्या है, गामा एंगल, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की, ठीक। तो यहाँ पे ये जो बीटा एंगल है, ये जो पॉइंट दिया है, इसी को उसने एक्स करके हमसे क्वेश्चन में पूछा था।
तो ये क्या है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल बोलते हैं। अगर वही चीज वो गामा वाला पूछ लेता तो गामा को क्या बोलते हैं, रेक एंगल बोलते हैं। और वही चीज वो अल्फा वाला पूछ लेता तो अल्फा को हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। तो याद रखना कि गामा को क्या बोलते हैं, बीटा को क्या बोलते हैं और अल्फा को क्या बोलते हैं। ऐसे आप लोग याद रख लो तो आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई बीटा बीच में है, बी से बीटा, बी से बीच, तो बीच में बीटा है या ठीक है। तो देखिए बी से बीटा, बी से बीच, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो। तो भाई बीच में क्या आ जाएगा, हमेशा पॉइंट बीच में लगाते हैं तो पॉइंट आ जाएगा बीच में, फर्स्ट वाले में रैक आ जाएगा और लास्ट वाले में आप लोगों का क्लियरेंस, यानी कि अल्फा में क्लियरेंस आ जाएगा और सेकंड जो गामा वाला है उसमें क्या जाएगा, रैक आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। देखिए वे डायग्राम आप लोगों को यहाँ पे मैं समझा रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से, एक एक क्वेश्चन बहुत आराम से पोलाइटली मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से समझा दी हूँ। तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, तो आप लोगों को जो भी आप लोगों के फ्रेंड वगैरह होंगे उनको भी काम आएंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, पॉइंट एंगल इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, व्हाट इज द यूज ऑफ फर्मल चीजर, फर्मल छेनी का क्या उपयोग है। और फर्मल चीजर की वो यहाँ पे बात कर रहा है आप लोगों को, है ना, फर्मल चीजर की बात कर रहा है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में सामान्य छेनीकरण कार्य में लकड़ी के आयताकार छेद बनाना या फिर लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई। तो यहाँ मैं बता दूं कि फर्मल छेनी जो होती है, फर्मल चीजर जो होता है वो नॉर्मली सभी यूज करते हैं ना, तो सामान्य कार्यों के लिए वो यूज करते हैं, कहीं पे भी वो हम यूज कर सकते हैं। तो इसका डायग्राम दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोगों को भी पता होगा कि जर्नली चीजलिंग वर्क जो होती है, जर्नली छेनीकरण जो कार्य होते हैं वो किससे किए जाते हैं, फर्मल छेनी या फिर फर्मल चीजर से किए जाते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी को मालूम होगा ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। यहां पे बोला है क्वेश्चन नंबर 18, और देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ना। तो यहां पे बोला है, किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। अब किस टाइप का हम वहां पे जॉब यूज करेंगे भाई, फिर से सुन लो, किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़, अर्ध लैप जोड़ मतलब आधे की बात कर रहा है ना, विच टाइप ऑफ हाफ लैप जॉइंट इज यूज्ड इन वन पार्ट ऑफ अ जॉब मीट अनदर पार्ट एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है एंड लैप जोड़, क्रॉस लैप जोड़, मध्य लैप जोड़ या फिर कोना अर्ध लैप जोड़, यानी कि एंड की बात कर रहा है, क्रॉस की बात कर रहा है, मिडिल की बात कर रहा है या फिर कॉर्नर की बात कर रहा है। तो भाई हम किस में, आधे में किस में जोड़े, मिडिल में जोड़े, कॉर्नर में जोड़े, एंड में जोड़े। तो ये ऑप्शन अभी ऐसे नहीं समझ में आने वाला जो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं उनको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये सब फिटर वालों का है ना। तो फिटर मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रीशियन वाले जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी फिटर का कुछ हिस्सा आता है, और फिटर वालों को भी पेपर में कुछ हिस्सा इलेक्ट्रीशियन का आता है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये आप लोगों को दिखाई देता है, देखिए यही पूछा था आप लोगों से। तो ये देखिए, ये बीच में आप लोगों का आधा दिया हुआ है और आधा यहाँ पे दिया हुआ है, ये हम इसको इसको खसका के इसके ऊपर लगा सकते हैं। और कहाँ पे लगा रहे हैं, बीच में, मिडिल में, है ना, बीच में लगा रहे हैं, यानी कि मिडिल की बात कर रहा है, तो मिडिल लैप ज्वाइंट कहलाता है। तो ये ज्वाइंट आप लोगों ने देख लिया है, तो अब इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में आपको वहां पे क्या पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन में वही बोला था कि किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरा के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। कुछ दूरी से मतलब भाई सिरा, अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को, देखिए यहाँ पे वो जो हमने जॉब देखा था वो कुछ इस तरीके का था और बीच में जगह आपकी छूटी हुई थी, है ना, इस तरीके का, है ना, ये जगह। तो वही तो वो पूछ रहा है कि जॉब के एक भाग के सिरों के अंत से कुछ दूरी, तो अंत तो यहाँ पे होगा इसका, तो अंत से कुछ दूरी मतलब यहाँ पे गैपिंग था ना, यहाँ पे गैप था, तो यानी कि तो मिडिल में ही आया ना आप लोगों का। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, अब आप लोग बता सकते हो कि मध्य लैप जोड़ वो कहलाएगा। तो आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे, करेक्ट, कि भाई मिडिल लैप जॉइंट, ठीक है, ये करेक्ट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर
19, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 18 बोला था, आप क्वेश्चन नंबर 19 भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी देख लीजिए। यहाँ पे बोला है कि भाई 90 डिग्री जो 90 डिग्री के एंगल पे जब हम मोड़ते हैं, है ना, मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। तो ये नॉच की बात कर रहा है कि भाई जब भी हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, भाई कोई भी 90 डिग्री अगर आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके का बनाओगे 90 डिग्री, है ना, या फिर कुछ इस तरीके का 90 डिग्री बनाओगे, या फिर कुछ इस तरीके का 90 डिग्री बनाओगे, या फिर कुछ इस तरीके का। तो आप लोगों को सब में देखिए वी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी वी, यहाँ पे भी वी, सब में वी दिखाई दे रहा है ना, वी फॉर वैन हम बोल सकते हैं, तो वी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को डायग्राम भी दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये 90 डिग्री की बात कर रहा था भाई, बैंड करना हमको 90 डिग्री पे, तो ये यहां से देखिए आप लोग यहां पे ये कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है, और ये कैसा दिख रहा है, वी। तो इसको हम क्या कहेंगे, वी नॉच कहेंगे, यानी कि इस शीट को हमको ऐसा फोल्ड करना है कि वहां से क्या हो जाए, ऊपर साइड से ये 90 डिग्री के एंगल पे रहे जब हम इसको पलटाएं तो, ठीक है, बीच से। ये देखिए बेंडिंग लाइन, ये यहाँ पे दर्शाया भी गया है कि भाई यहाँ से बेंड हो जाएगा और यहाँ से अगर हम बेंड करेंगे तो ये जो नॉच है वो किस टाइप का है, वी नॉच है, ठीक है, कंप्लीट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वी नॉच इज अ राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, यहां पे बोला है क्वेश्चन नंबर 20, शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। अब हेम फोल्डिंग की वो बात कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेम फोल्डिंग इन शीट मेटल वर्क, ठीक है। अब हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है भाई, क्यों हम हेम फोल्डिंग वहां पे कर रहे हैं, किस पर्पस से हम वहां पे हेम फोल्डिंग कर रहे हैं। तो यहां सबसे पहले बोला है, अब हेम फोल्डिंग का मतलब समझ लो पहले, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के पास कोई लंबा सा कागज है रेक्टेंगल शीट में, हम उसको ऐसे करके ऐसे ऐसे करके मोड़ते हैं, ऐसे ऐसे करके मोड़ते हैं, मोड़ते हैं, मोड़ते हैं, मुड़ जाता है वो पूरा, है ना, इससे। और हमने क्या किया, रबड़ लगा दिया, ठीक है, रबड़ लगा दिया, एक रोल टाइप का बन गया हमारे पास, क्या बन गया, एक रोल टाइप का बन गया, ठीक। तो उससे क्या होता है कि अंदर जब वो फोल्ड हो जाता है तो वो क्षति होने से बच जाता है, मतलब उसका नुकसान होने से, फटने से बच जाता है जब हम उसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि हम कहीं पे भी ऐसे रख देंगे तो या फिर वो फट सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ पे वही पूछा था हेम फोल्डिंग, तो हेम फोल्डिंग का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आप लोग आंसर भी बता सकते हो यहाँ पे कि शीट को क्षति से बचाना, प्रिवेंट द शीट फ्रॉम डैमेज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेम फोल्डिंग का मतलब समझ गए तो आप लोगों को आंसर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहां बोला है लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है, है ना, शक्ति को कम करता है। अभी मैंने बताया था भाई शक्ति, शक्ति का मतलब क्या होता है भाई, पावर, है ना, तो पावर है, कैसे कम हो सकती है। अभी मैंने लकड़ी वाला एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, तो वहां पे मैंने आप लोगों को बोला था कि अनियमितता से क्या होता है, गांठ बन जाती है, जिससे उसको पेड़ों को नुकसान होता है, आयु कम होती है। तो यहाँ पे आंसर सीधा सीधा आप लोगों का यहाँ पे दिया हो गया है भाई कि क्या आ जाएगा, अनियमितता आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस हथौड़े का क्या नाम है। अब भाई बता दो भैया हैमर कौन सा है। आप लोग देखिए यहाँ पे कुछ पिन टाइप में निकालने के लिए हो रहा है और यहाँ पे ठोकने टाइप के लिए दिया गया है ना, ये कुछ इस तरीके का है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 में, ठीक। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि किस टाइप का ये हथौड़ा है। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जितने भी हथौड़े के डायग्राम हैं, आप लोग अपने बुक में जाके जितने भी इमेज दिए गए हैं सबके नाम पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो नाम है वो आप, मैं बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं लगाया है, क्लॉ हैमर है। क्या नाम है इसका, क्लॉ हैमर। ऐसे इस टाइप के बहुत सारे हैमर होते हैं, तो उसका आप लोगों को नाम पढ़ लेना है, ठीक है। बॉल पेन नहीं आएगा, क्रॉस पेन नहीं आएगा, स्ट्रे पेन नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। अब भाई टिम्बर की बात कर दिया यहाँ पे, विच डिफेक्ट इन टिम्बर इज कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है।
तो यहाँ पे मैं बता दूं कि लकड़ी में जब भी हम बात करते हैं किसकी, गलत सीजनिंग की, है ना, गलत सीजनिंग है। गलत सीजनिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो कि भाई अब लकड़ी की बात हो रही, वही अनियमितता की ही हम बात कर सकते हैं उसमें। जैसा बोला जाए गलत सीजनिंग मतलब वही अनियमितता, ठीक है, जो टिम्बर हम बोलते हैं, डिफेक्ट इन टिम्बर, है ना, जैसा अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो उसमें मैं बता दूं कि उसकी वजह से क्या होता है, कपिंग होती है। क्या होती है? कपिंग होती है। तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है लकड़ी में? कपिंग दोष क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, मतलब वो भी एक तरफ से गार्ड टाइप का ही होता है। तो इतना आप लोग बस ध्यान रखें इसका, ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया, ये डायग्राम है ना। अब x से चिन्हित रूप थ्रेड का नाम बताइए। आप लोगों को ये सामने x दिख रहा है, ये है ना, तो इसका हमें नाम बताना है। अब देखिए नाम वो यहाँ पे पूछ रहा है, तो सबसे पहला बोला यहाँ पे जूट, सेकंड बोला है आप लोगों को फुल फॉर्म थ्रेड, तिरछी मेल थ्रेड या समांतर फीमेल थ्रेड। ठीक, तो पहले मैं इसका डायग्राम दिखा देती हूँ आप लोगों को, उसके बाद आप लोग खुद आंसर कर लोगे। ये दिख रही है आप लोगों को। तो यहाँ पे जो नंबर वन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को उसने x बता दिया है और पूछा है कि इस x का नाम बताओ। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर वाले के जो दाते हैं नीचे वाले के दाते से क्या हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे को पकड़ के रख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वही वो पूछ रहा है कि भाई फर्स्ट वाले का क्या है, सेकंड वाले का क्या है, थर्ड वाले का क्या है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले का नाम दिया है पैरेलल फीमेल थ्रेड, सेकंड वाले का आपका देखिए लिखा है टेपर्ड मेल थ्रेड, है ना, और थर्ड वाले का आपका नाम दिया है हेम्प। ठीक, तीनों के नाम दिए गए हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक, तो हमें भाई फर्स्ट वाला यहाँ पे पूछा था, तो हम इजीली अब आंसर यहाँ पे कर सकते हैं कि क्या आ जाएगा। भाई वहां पे फर्स्ट वाले का नाम पूछा था, तो पैरेलल फीमेल थ्रेड यानी कि समांतर फीमेल थ्रेड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, हार्डली रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन के बच्चों के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अब आप लोगों की थ्योरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो थ्योरी क्लास आप लोगों की ऐसी रहेगी कि मैं एक एक टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आप लोग जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो जाएगी तो परचेज भी नहीं करना पड़ेगा और एक एक टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बोला है शीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बोला है 25th। ठीक है, अब मोड़ने के लिए, अब भाई सीधा सीधा आपको मोड़ना है तो वी तो हमें नॉच लगाना नहीं पड़ेगा, 90 का एंगल तो दिया नहीं है, हमें से बोला है मोड़ने के लिए, है ना, तो किस तरीके से मोड़ना है ये हमें यहाँ पे नहीं बोला है, से मोड़ने हेतु बोला है, तो हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रेट नोच आ जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। यहाँ पे बोला है क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उपयोग। अब देखिए जो क्रॉस कट होती है आप लोगों की छेनी, है ना, तो उसमें वो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्रॉस कट जो आप लोगों की होती है छेनी, उसका क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, आप लोग देख लीजिएगा कि जो क्रॉस कट छेनी रहती है उसका क्या उद्देश्य होता है, तो उसका उद्देश्य जो होता है क्वेश्चन नंबर 26 में कटिंग की वेज, है ना, की वेज काटने में। तो जितने भी चीजल वगैरह है बार बार कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम उतने ज्यादा मैंने नहीं लगाए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है डायग्राम भी दिखाने में, तो आप लोगों की बुक में दिया गया है वर्कशॉप कैलकुलेशन, आप जहाँ पे देखेंगे वहां पे आप लोगों को सब मिलेगा। क्रॉस कट आप लोग एक बार देख लेना, उसका यूज कहाँ होता है, किस उद्देश्य से हम यूज करते हैं, तो भाई कटिंग की वेज में हम उसका यूज करते हैं। बाकी जिसका मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैंने आप लोगों को बताया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम उसके बाद, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे बोला है कि विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज मेक अ जॉब 90 डिग्री बेंड। अगेन वही 90 डिग्री बेंड करने में, देखिए 900, देखिए 900 नहीं दिया है, 90 डिग्री दिया है ना, मिस्टेक हुआ है, 90 डिग्री मोड़ने है तो किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। आपको बता चुकी हूं मैं इससे पहले ही क्वेश्चन में कि वी नॉच का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं 90 डिग्री मोड़ने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार का वक्र कटिंग, दस्ती आदि प्रयोग की जाती है। अब जैसे हमारे पास भाई लकड़ी है, तो लकड़ी को आंतरिक काटना, अंदर की तरफ से काटना है, जो इजीली चली जाए जो आदि, है ना, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम आप लोगों का दिखाया गया है, देखो ये है,
ये है आप लोगों का, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं की होल सॉ एंड पैड सॉ, है ना। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की आप लोगों की यहाँ पे ये ब्लेड दिखाई दे रही है, कुछ इस तरीके के आपके नीचे दांते दिखाई दे रहे हैं कुछ ट्रायंगल शेप में। इसको क्या करते हैं, हम लकड़ी के अंदर डालते हैं और फिर चलाते हैं और पूरा होल कर देते हैं, है ना, अंदर की तरफ इसको ले जाके और अंदर की तरफ क्या करते हैं, ले जाके पूरा अंदर की तरफ, मतलब आंतरिक हम कटिंग इसकी कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो ये क्या है आपका की होल सो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं पैड सो। यहाँ पे लिखा भी गया है यह आंतरिक कटिंग के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, किसके लिए, आंतरिक कटिंग के लिए। तो आंसर की होल सो, यही अभी हमने पढ़ा, तो भाई ये आंसर हमारा करेक्ट है, बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। देखिए इसलिए मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम भी यहाँ पे लगा के रखा है मैंने, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है, डायग्राम समेत मैं आप लोगों को समझा दूँ। यहाँ पे शीट मेटल का आदि के लिए उपयोग होने वाले स्टैक का क्या नाम है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्टैक दिख रहा है, तो स्टैक का नाम हमें बताना है। फिर से डायग्राम देख लीजिए आप लोग, आप लोगों को समझ में आ जाएगा स्टैक का नाम। ये देखिए यही वाला स्टैक आप लोगों से पूछ रहा था, यही स्टैक पूछ रहा था ना। अब देखो इस स्टैक का नाम पूछ रहा है, तो ये क्या है, ब्लो हॉर्न स्टैक, ये दिख रहा है आप लोगों का ब्लो हॉर्न स्टैक, ठीक है। ये देखिए ब्लो हॉर्न स्टैक। आते हैं क्वेश्चन पे हम, करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी ब्लो हॉर्न स्टैक इज द राइट आंसर। 29 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे, अब फिर आपके सामने एक हथौड़ा दे दिया गया है, मतलब टूल दे दिया गया है इस तरफ से, तो नेम द टूल, नेम बताना है भाई कि ये कौन सा है। देखिए सामने से ऊपर की तरफ ये आप लोगों को कुछ ये पैना टाइप का दिखाई दे रहा है और लास्ट में आप लोगों को कुछ वर्गाकार में दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये कौन सा है आप लोगों का, ये आपका टैक्स हथौड़ा है ना, यानी कि टैक हैमर, इसको हम क्या करते हैं, टैक हैमर भी बोलते हैं। जितने भी हैमर है सब हैमर आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, सबके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। अब भाई ड्रिलिंग के बाद वो पूछ रहा है कि किसका यूज किया जाता है आप लोगों, किस प्रकार की छेनी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, देखिए पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ, ड्रिल करने के बाद, है ना, ड्रिल करने के बाद देखिए हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ फटाफट हमने क्या कर दिया, ड्रिल कर दिया, यहाँ ड्रिल कर दिया लकड़ी में, यहाँ ड्रिल कर दिया, यहाँ ड्रिल कर दिया, यहाँ ड्रिल कर दिया। अब इस छेनी का हमने यूज किया और दो जहां पे हमने ड्रिल किया है फर्स्ट एंड सेकंड, दो ड्रिल के बीच में इसको रखा और ऐसे करके हमने ठोक दिया, तो ये क्या होता है, इतनी दूर क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। फिर ऐसे इसको उठाएंगे, फिर ये जो दो आप लोगों के होल दिख रहे हैं इसमें रख के इसको क्या कर देंगे, ठोक देंगे, फिर यहाँ पे आप लोगों के वो क्या हो जाएगा, उतनी दूर आपका गैपिंग आ जाएगा, फिर आगे के ऐसे करते करते हम क्या करते हैं, चारों तरफ इसमें एक क्या कर लेते हैं भाई, जगह बना लेते हैं ना। तो ये क्या कहलाता है, वेब छेनिया या पंचिंग छेनिया, ठीक है, वेब या फिर पंचिंग, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेब या पंचिंग बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पे आप लोगों का, यहाँ पे अब आप लोग देख लीजिए, है वेब चीजल, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जालीदार छेनी। अब वहां पे भी देख ही रहते आप लोग, जालीदार ही लिखा हुआ था, है ना, मतलब दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है यहाँ पे, किस प्रकार की स्टैक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सिमिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो किस प्रकार के स्टैक का उपयोग, ठीक है। अब फिर स्टैक की यहाँ पे आपकी बात आ गई है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि रिवेटिंग की बात कर रहा है। अभी मैंने स्टैक के आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, तो आप लोगों का आंसर यही है, कौन सा आंसर, ब्लो हॉर्न स्टैक। ये जो ब्लो हॉर्न स्टैक है अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया था वही, तो ब्लो हॉर्न जो स्टैक है उसी का यूज हम किस में करते हैं भाई, शंकु। ब्लो हॉर्न में देखिए शंकु के आकार का दिखाई दे रहा था ना भाई, फिर से दिखा देती हूँ डायग्राम अगर भूल गए हो तो, ये दिख रहा है ना, ये देखिए शंकु के आकार का दिख रहा है ना, तो वो ये आपका क्या है, ब्लो हॉर्न स्टैक। तो ऑब्वियसली इसी का यूज करेंगे हम, है ना, तो वहीं पे वो पूछ रहा था कि शंकु के आकार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ब्लो हॉर्न स्टैक, सी आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये लास्ट क्वेश्चन बोला है लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। अब भाई बता दो, अब पूरा तो मैं समझा चुकी हूं आप लोगों को, फटाक से सोचो आप लोग क्या आ जाएगा भाई, कि भाई गांठ दोष कब होता है, जब शाखाएं बढ़ती हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। तो आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा यहाँ पे, कि ग्रोथ ऑफ ब्रांच आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट। देन उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि कल की जो क्लास आप लोगों की रहेगी वो आप लोगों की रहेगी सोल्डरिंग एंड यूजी केबल्स। ठीक है, ये मैं आप कंप्लीट करा दूंगी। इसके बाद की जो चैप्टर है वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट पे आप लोग देख सकते हैं जाके, एक एक चैप्टर मैंने कराया हुआ है, आप लोग नाम डालेंगे आ जाएगा पूरा ए टू जेड, मैंने आप लोगों को कराया है, समझा के रखा। ये चैप्टर के बाद थ्योरी क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है। आप लोगों को मैं बता दूं कि थ्योरी क्लास एकदम स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करूंगी हर एक चैप्टर, जैसे कि आप लोगों का सोल्डरिंग है तो वहां पे आप लोगों का सोल्डरिंग ही लिखा होगा, सोल्डरिंग पूरा कंप्लीट करवाऊंगी आप लोगों का। ठीक है, यूजी केबल्स है तो यूजी केबल्स ही होगा, एक्चुअली इसमें तो अटैच करके दिया गया है, एसी सर्किट है तो एसी सर्किट होगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, हर चैप्टर को अलग अलग पढ़ेंगे, और ऐसे ही मेरा वीडियो रहेगा, आप लोग उसको देख सकते हैं, लाइक जरूर कर दीजिए, आप लोगों को पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहां पे हम समाप्त करते हैं, कल हम पढ़ेंगे शोल्डरिंग और यूजी केबल, और लाइक कर दीजिएगा जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिए अपना भी और अपने स्पेशली पेरेंट्स का भी। थैंक यू सो मच।